अधिकार सेफरोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है, इसमें हम मनोरोगों को रिश्तेदारों के साथ में रखते हैं, उनका इलाज करते हैं। और एक दूसरा हॉस्पिटल है जहां मनोरोगों को और व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक गोल्डन होम नाम का भी एक होम है कि जहां हम प्राउड व्यक्ति जो है सीनियर सिटीजन जो है उनको रखते हैं। क्या होता है कि आजकल आदमी की मतलब व्यक्ति की जीवन मान जो है वो ज्यादा हो गया, मतलब आयुष्यमान ज्यादा हो गया। अभी लोग आराम से 65, 70, 75, 80, 85 तक जी रहे हैं, और जैसा जैसा भी जीवनमान बढ़ते जा रहा है वैसे ऐसी बीमारियां भी ज्यादा दिखते मतलब दिख रही है, जैसा कि अल्जाइमर का डिमेंशिया, उसको बोलते हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया, स्मृति भ्रंश, भुलक्कड़ की बीमारी, भुलक्कड़ बना याद नहीं रहना, और वो 60 साल के 65 साल के बाद में ज्यादा दिखाई देता है, मतलब उसका दिखना चालू हो जाता है। तो ये लोगों को कभी कभी होता क्या है कि घर में चीजें भूल जाना, बाहर कभी गए तो रास्ता भूल जाना, घर में वापस नहीं आना, टॉयलेट का रास्ता भूल जाना, भलती जगह जाना वहीं टॉयलेट है समझ के वहीं पेशाब या लैट्रिन कर देना, चश्मा कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखी वो भूल जाना, लोगों के फिर धीरे धीरे नाम भूल जाना, और फिर कभी कभी ऐसे भास होना कोई मेरे बारे में लोग बातचीत कर रहे हो। होता क्या है कि ये उम्र में थोड़ा सुनाई भी कम आता है, तो फिर लोगों को ऐसा भास होता है कि भाई लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहा मेरे बारे में, या फिर वो अपने आप से बड़बड़ करके बड़बड़ करना चालू कर देते हैं, तो उनको साइकोसिस भी डेवलप हो जाता है, मतलब डिमेंशिया भी है, अल्जाइमर का डिमेंशिया आया उसके साथ साथ साइकोसिस भी है। काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको मेडिकल डिसीजेस है, ऐसा पैरालिसिस हुआ है, फिर कुछ लोग ऐसे अभी हमारे परिचित है, उनकी उम्र 85 ईयर्स की है, लेडी है 85 ईयर्स की, पिछले 3 साल से वो बेड के ऊपर, और उनको खिलाना पिलाना करना पड़ता है, नर्सिंग करना पड़ता है, उनको ये कंटिन्यू नर्सिंग नहीं किया तो चिल्लाएगी, चिल्लाती रहती है वो, तो खाना पीना देना पड़ता है, नर्सिंग करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को वहां रखना है प्रॉब्लम है लोगों को। फिर पैरालिसिस हुआ है, वो चल फिर सकते नहीं है, घर छोटा है, फिर घर में छोटे बच्चे है, तो छोटे बच्चे घर में है, मियाँ बीवी है, दो बच्चे है, तो घर में माँ बाप को रखना और वो भी बीमार माँ बाप को रखना भी लोगों को तकलीफ देह होता है, उनका नर्सिंग कौन करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन, उनको दवा पानी कौन करेगा, तो ऐसे बीमारी जिनको है, ऐसी बीमारी जिनको है, जिनको लोग घर में रख के उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, उनके लिए हमने गोल्डन होम का कंसेप्ट चालू किया है। उसके साथ साथ ऐसा हो जाता है कि कभी लोगों को बाहर जाना है, बाहर गाँव जाने का है 8-10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, मगर घर में ये बूढ़े व्यक्ति उनको छोड़ के, जिनको बीमारी है उनको छोड़ के, अकेले छोड़ के नहीं बाहर जा सकते, उनको लेकर भी जा सकते नहीं, या शादी है या कहीं बड़ा फंक्शन घर में है, और ऐसा बीमार व्यक्ति घर में रखना जिनका नर्सिंग हम कर सकते नहीं है, तो ऐसे लोगों को रखना वो भी एक लोगों को प्रॉब्लम है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर डिमेंशिया, और कोई भी वजह से हो, कोई भी वजह से डिमेंशिया रहा तभी भी, मतलब वो डिमेंटिक पेशेंट्स है कि जिनको मतलब भ्रम हुआ है और अभी उनको समझता नहीं अपन कहाँ है, तो उनके लिए ऐसा हमने गोल्डन होम करके एक नया कंसेप्ट चालू किया है कि जहाँ हम उनकी केयर लेंगे, उनका उनको खाना पीना देंगे, उनको दवाई देंगे, उनका मनोरंजन करेंगे, उनको स्पेशल अटेंडेंट देंगे कि जो उनके उनकी तरफ ख्याल रखेगा, और उनका जीवन जो है आखिरी के कुछ साल जो है एक प्रकार की एक सेकेंड इनिंग है ना, कि भाई आखिरी के कुछ साल जो है वो उनके अच्छे बीते, खुशी में खुशहाल जीवन वो जिएंगे, और उसके साथ साथ उनके बच्चों को भी तकलीफ ना हुए। कुछ ऐसे ही कुछ लोग बाहर के देश में, अमेरिका में, यूरोप में, और उनके माँ बाप यहाँ इंडिया में, उनके देखने उनको देखने के लिए उनकी उनकी केयर लेने के लिए कोई नहीं है, उनको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर केयर लेने वाला कोई नहीं, तो ऐसे लोगों को भी हम हमारे यहाँ रखेंगे और रखती है, और उनका इलाज करते हैं, उनको नर्सिंग करते हैं, उनकी केयर लेते हैं, तो ऐसा एक लोगों को एक बहुत अच्छी सुविधा, एक अच्छी फैसिलिटी लोगों को यहाँ उपलब्ध की गई की है, और इसका जरूर आपने फायदा लेना चाहिए। यही हमने लॉन्ग स्टे मेंटल पेशेंट्स रखे हुए, लॉन्ग स्टे मतलब बहुत दिन तक हम जिनको रखते हैं,
ऐसे मानसिक रुग्ण जो है कि जिनको घर में रखना प्रॉब्लम होता है, घर में रखे तो कभी वो वायलेंट हो जाते हैं, घर में मारपीट करते, घर में दवाई लेते नहीं है, और कहीं बाहर जाना है तो प्रॉब्लम है, लेके जाना प्रॉब्लम है, छोड़ के जाना प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो मनोरुग्ण है मेंटल पेशेंट्स, उनको भी रखने की हमने व्यवस्था की है कि जो मतलब वृद्ध नहीं है उनके लिए अलग है, जो वृद्ध है उनके लिए अलग व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था की है। आपके परिचय से बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको ऐसा प्रॉब्लम होगा कि इनको इनकी केयर कैसे देना, रखना कहाँ। तो जरूर आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियो काफ़ी सारे डालता हूँ जो मोटिवेशनल वीडियो है, मनोरुग्ण जो है या मानसिक बीमारियाँ जो है उनके बारे में वीडियो है। तो जरूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। और हमारा उद्देश्य जो है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें भी आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।